देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवीय के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये सात शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन सात शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों की घोटालों से स्पर्धा। ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, एक रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल खाई में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी, ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहां, सांसदों के यहां अच्छे अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को देश दोष देकर के, अपने नसीब को दोष देकर के जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक
वक्त था 2014 के पहले, जब वो सात शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे, निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था, तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना। और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, जान ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और उसके कारण वो सब वक्त का जो शब्द थे देश की युवा पीढ़ी के दुश्मन से निकलने लगे। धीरे धीरे देश के मन में स्थिर हो गया जो 2014 से पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वो कहने लगे अब इस देश में सब कुछ हो सकता है, इस देश में सब कुछ संभव है, ये विश्वास जताने का काम किया हमने। जब हमने सबसे पहले तेज 5G रोल आउट हमने दिखाया, आज देश कहने लगा तीव्र गति से 5G का रोल आउट होना, देश गौरव से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों के हाथ काले हो चुके थे, आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा, प्रामाणिकता की, और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए गए। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी
सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370, इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रखकर के नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी,